बर्तन धोले बर्तन धोलूंगा मैं राहुल बर्तन धोले चलो मार फटाफट। अच्छा तो आपको सबसे पहले बाहर का व्यू चेक करवा देता हूँ। तो ये चेक करें, कल रात को पूरी रात को बारिश रही है और काफी खतरनाक बारिश रही है। तो फैमिली चंदन सर आ चुके हैं और यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। यहाँ देखो चंदन सर। और YouTube फैमिली वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग फ्रॉम स्टेट फॉरवर्ड दिल्ली। बाकी अभी घूमते हूँ आज फिर से होता है और अभी पहले सबसे पहले रूम की सफाई करनी है। बाकी अभी फिलहाल लड़के सभी रूम पे हैं और नाश्ता भी आ चुका है। अभी सुबह से उठ के मुँह भी नहीं धुलाया, थोड़ा आवाज़ में चेंज सा लग रहा हूँ क्योंकि जुकाम इतना खतरनाक लग रहा है ना। बाकी अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, थोड़ा मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर सफाई वगैरह करेंगे। तो YouTube फैमिली चंदन सर आ चुके हैं और यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। यहाँ देखो चंदन सर। और बाकी यहाँ पर हमारी प्लेट भी लग चुकी है, बाकी इस नाश्ते को फिनिश करते हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, बाकी अभी रूम की हालत देख सकते हैं ऐसी कुछ हो रखे। तो पहले सबसे पहले इस रूम को साफ करते हैं। और ये तो यहाँ पर तो ये अंदर वाला कमरा है, बाकी यहाँ बाहर भी है, ये जगह कर सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी बिस्तर लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ भी सफाई करनी, मतलब पूरी फ्लैट की सफाई करनी है आज। तो उसके बाद फिर यहाँ पीछे मार्केट है, वहाँ जाएंगे, थोड़ा बाल वगैरह कटवाएंगे। तो पहले सबसे पहले सफाई कर देते हैं। सफाई करते करते दिन की 3 बज चुकी हैं और सफाई ऑलमोस्ट फिनिश हो ही चुकी है। बाकी अभी थोड़ा सा मुझे मार्केट तक भी जाना है, बाकी थोड़ी देर पहले आराम करते हैं क्योंकि कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन है और गले में इतनी खतरनाक दर्द हो रहा है। दवाई भी ला रखा हूँ मैंने, फर्स्ट टाइम जिंदगी में अभी तक 2-3 सौ की मतलब एक खांसी की दवाई खाई है, इससे पहले कभी भी नहीं खाई। यहाँ की जो ठंड है, हमारे पहाड़ों में ठंड पड़ती है तो हाथ पाँव भी ज़्यादा ठंड लगती है और यहाँ की बिल्कुल ही सूखी ठंड है, पूरा शरीर कांपता है, जैसे ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो उस वजह से भी गला बिल्कुल बैठ चुका है। कल आज सुबह माँ का कॉल आया था तो मैं जब बिस्तर से उठा तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मम्मी माँ बोल रही थी कि क्या हो गया तुझे, मतलब आवाज़ ही बिल्कुल ही बैठ रखी है। तो थोड़ा बहुत अभी पानी की गरारी वरारी की है सुबह उठ के, तो थोड़ा सही से अभी थोड़ा आवाज़ खुल गई है। बाकी फिर से देखता हूँ, अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ, चेकअप करवाता हूँ कि कहीं बुखार उखार तो नहीं, ठंड सी भी लग रही है। बाकी थोड़ी देर में अभी थोड़ा आराम करता हूँ, फिर थोड़ी देर में निकलूँगा मार्केट की तरफ। आ चुकी है और बाहर का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, अभी हल्की फुल्की धूप आ चुकी है। बाकी यहाँ पर तुलसी का पेड़ भी लगा रखा है, सामने एलोवेरा भी है। बाकी हम चल रहे पीछे मार्केट और यहाँ खतरनाक ठंडी पड़ रही है, दुकान सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाकी अभी छोटे हैं, मैं दिखाता हूँ यहीं पीछे एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ से बाहर आती है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर दिन भर लोग या यहाँ के लोकल जो लड़के हैं वो गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं। बाकी अभी थोड़ा मार्केट में चलती है, सामने यहाँ आगे पे मार्केट है। यहाँ की मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी ठंड है कि यहाँ पे अभी तक आग जला रखी है। बाकी ये मार्केट है, अभी चलते हैं हम रूम को। YouTube फैमिली रूम पे मैं आ चुका हूँ और मुँह हाथ भी धो लिया है। बाकी बाहर ठंड काफ़ी खतरनाक पड़ रही है, ये चेक करें ठंड का कहर देख सकते हैं आप लोग। मतलब इनको ना बात भी कर रही है और हाथ देख रहे हो बिल्कुल कंबल के अंदर है, पर ये देखो मुँह छुपा रहे हैं। बाकी अभी थोड़ी देर सोते हैं, बाकी मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। तो अंदर का तो आपने देख लिया आपको किस तरह से सभी बिस्तर के अंदर घुस रखे हैं। बाकी आपको सबसे पहले बाहर का व्यू चेक करना, तो आपने मेरा पिछले ब्लॉग देखा होगा तो आज से करीब 9-10 दिन पहले मैंने पिछला ब्लॉग अपलोड किया था और उस दिन से आज तक अभी तक मतलब मुझे धूप नहीं देखने को मिली है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ छत पर और वो ऐसे उड़ के बिल्कुल गला बैठ चुका है। जब वहाँ गया था ना मैं बाल कटाने तो उस टाइम भी ऐसे ही था। बाकी ये चेक करें, ये कबूतर फिर भी उड़ रहे हैं आज भी भाई के, और व्यू कुछ इस तरह से हो रखा है। सूरज चेक करें टावर के पीछे अभी। बाकी मौसम कुछ इस तरह से है, सामने छत पे बैठे हैं भाई के कबूतर। अब देखना जब ये उड़ेंगे, पूरे मतलब आसमान में कबूतर ही कबूतर हो जाते हैं। देखिए ये चेक करें, और काफ़ी मस्त सा लगता है। बाकी यहाँ पर सूरज है सामने, ये बादलों के पीछे। देर ऊपर खड़ा हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ खतरनाक ठंडी हवा चल रही है और गला भी बैठ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फीवर हो जाए। बाकी अभी रोड निकलते हैं, थोड़ी देर बिस्तर के अंदर बैठते हैं, फिर अब सीधे आपको शाम को मिलता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अभी बज चुकी है शाम की 5 और हमारी तैयारी हो चुकी है
ड्यूटी जाने के। बाकी सौरभ का है आज लास्ट वर्किंग डे, तो इससे पूछते हैं कि मतलब कैसा लग रहा है वही इधर और इससे भाग रहा है। रुक जाओ अभी भाई साहब, और बाहर इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, ये चेक करें, दिल्ली में काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी खतरनाक बारिश हो रही है। फिलहाल अभी चलते हैं, कैमरे को करते हैं ऑफ। तो अभी फिलहाल रूम से निकल के मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं, ये हमारे चंदन साहब जो कि हर टाइम हंसते रहते हैं। बाकी सौरभ भी आ रहा है पीछे से, ये चेक करें, और इसके बाद ये जाएगा कल अपने घर को। फाइनली यूट्यूब फैमिली हम आ चुके हैं। बर्तन धो ले। बर्तन धोऊंगा मैं। राहुल बर्तन धो ले, चलो मार फटाफट। अच्छा बाकी अभी लड़ते झगड़ते बारिश से राहुल हम पहुंच चुके हैं, और ये है सौरभ जो कि आज इसका लास्ट वर्किंग डे है, तो कैसा लग रहा है? अरे बस यूं ही करेगा, बाकी चलते हैं अभी। तो यूट्यूब फैमिली फाइनली सुबह की 10 बज चुकी हैं और अभी उठ चुके हैं, बाकी सौरभ भी रूम से जा चुका है। तो आपको सबसे पहले बाहर का व्यू चेक करवा देता हूं, तो ये चेक करें, कल रात को पूरी रात को बारिश रही है और काफ़ी ख़तरनाक बारिश रही है, तो मौसम कुछ धुंध थोड़ा कम सी हो गई है। बाकी बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है, और अभी इसके बाद हम जाएंगे ड्यूटी को, क्योंकि कल रात को बहुत लेट आए थे तो इसलिए ब्लॉग को मैं ऐड नहीं कर पाया, और ऐसे ही आजकल दिनचर्या चलती है कि टाइम ही नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने का। बाकी मैं इस ब्लॉग को यहीं तक रखूँगा, वो करूँगा, आपको वीडियो जरूर पसंद आई, पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा से कमेंट करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं राहुल मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।